तो गाइज वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। तो गाइज कैसे हो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज ये हमारा मंगरू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगरू मुड़ी पर कर, तो यहाँ पर मंगरू को देख सकते हैं। मंगरू बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा मतलब देख सकते हैं कैसा कलर है। तो यहाँ पर अच्छा है मंगरू। ये मंगरू की माँ है, देख सकते हैं मंगरू की माँ को यहाँ पर। ये भी बहुत ही अच्छी है, ये भी मारती उड़ती नहीं है, देख सकते हैं इसको हम छू रहे हैं मंगरी। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी है ये भी। और गाइस यहाँ पर हमारे पास यहाँ आम का चार पेड़ है, तो एक ये मतलब बड़ा सा है, मतलब उतना बड़ा नहीं है, एकदम छोटा ही है। और एक ये इस पर देख सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा आम भी आए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। अभी दिखाते हैं, अभी इधर से नहीं दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं इधर क्या मतलब इस पर बड़ा बड़ा आम आता है। यह दूसरा वाला है, ये दूसरे वाला पर ये छोटा ही छोटा रहता है, लेकिन ये बहुत मतलब मीठा होता है, मतलब इतने पर ही पक जाता है। ये हमारा तीसरा आम है, इस पर मतलब अभी एक भी नहीं है अभी, क्योंकि साल भर हुआ है लगाए हुए, इतना ही छोटा है। ये हमारा चौथा आम है, इस पर भी नहीं है, दो आम लगे थे तो वो टूट चुके हैं, मतलब हवा से गिर कर टूट चुके हैं, क्योंकि हवा में कल बहुत तेज़ हवा थी तो उसी में टूट गए। और गाइस ये हमारा अमरूद का पेड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं। और यहाँ पर फूल भी लगा है, यहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ पर पास कर कर, यहाँ पर हाँ यहाँ पर इधर अभी मतलब ये इधर छोटा छोटा फूल भी नहीं आया था, इधर अभी टाइम है इसको फलने में। ये हमारा है आंवला का पेड़, यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर बहुत ही बड़ा है ये, मतलब अभी आंवला नहीं फलता है, मतलब यहाँ पर है। गाइस ये मेरा हमारा मतलब अड़हुल का फूल है यहाँ पर, मतलब उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ये, बीच में एक खोड़ला हो गया है, लेकिन इसमें कोई मतलब फूल फलता है तो वहाँ का ऊपर है लगा है। तो गाइस ये मंगरी के घर है, मतलब इसमें ही रहती है अभी, तो बाहर है, इधर देख सकते हैं इधर पूरा है। और मंगरी यहाँ पर है, और मंगरू यहाँ पर है, तो मंगरू को जाएंगे बांधने के लिए घर में, अभी जाते हैं बांधने के लिए, अभी मंगरू का ककुली हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मंगरू को खोल दिया, देखते हैं कितना तेज़ भागता है वो, तो वहाँ पर देख सकते हो गाइस कितना तेज़ भागा ये। अभी इधर अब देखते हैं क्या करता है ये, ओ भाई इधर क्या कर रहा है। तो गाइस हमने मंगरू को बांध दिया है, देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से बांध दिया है, अब नहीं है भागेगा क्योंकि बहुत तेज़ भागता है, खोलने पर ही है। तो अब जाएंगे हम मंगरी को बांधने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हमने मंगरी को भी बांध दिया है, यहाँ पर ये भी खड़ी है मंगरी, अब मंगरू को भी बांध दिया है, ये भी खड़ा है, अभी थोड़ी देर में दोनों बैठ जाएंगे यहाँ पर, थोड़ी देर में बैठ रहे हैं, अभी देखिए गुड़ को चट रही है। और गाइस यहाँ पर हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है, यहाँ पर देखिए पत्ता बहुत तेज़ हिल रहा है, मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही है, मतलब हवा बहुत ही तेज़ ज़्यादा चल रही है। गाइस यहाँ पर हमारा गेट है, मेन गेट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही मतलब चार चक्का आ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चार चक्का आने का रास्ता नहीं है, तो इसको खोलते हैं पहले। यहाँ पर हमने गेट खोल दिया, तो दिखाते हैं बाहर का सीन क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बाहर का मतलब यहाँ मक्का लगा है, यहाँ पर इधर हमारा गली है, इधर यह हमारा मतलब नाली है, इधर से अंदर पानी आता है, इधर यहाँ पर पूरा खाली खेत है, यहाँ पर इधर तो है, इधर ईंट गिरा हुआ है, ईंट गिरी हुई है, इधर पूरा खेत खाली है, अभी तो कट गया, इधर बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमारा ये इधर घर बन रहा है। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बाय दोस्तों।